स्मार्ट है, मैं सूरत से आया हूँ और मैं एजुकेशनल फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरी खुद की स्कूल है वहाँ पे और मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में भी हूँ, करेंसी ट्रेडिंग में, तो फाइनेंशियल फील्ड से भी जुड़ा हुआ हूँ और आई एम एक्टर ऑल्सो, मैं गुजराती फिल्म, हिंदी सीरियल्स और वेब सीरीज वगैरह में भी मैं एक्टिंग करता हूँ, तो उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि डिजिटल मार्केटिंग सभी तरीके से मुझे एक बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ऑनलाइन लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, खुद को प्रमोट करते हैं और काफ़ी अच्छे से ऑनलाइन इनकम भी कर लेते हैं। मैंने मगर सिर्फ सुना था उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए वो मैं नहीं जानता था और वही उन्हें सीखने के लिए यहाँ पर आया था। करण इज़ अ वेरी कूल गाय, बहुत स्टेबिलिटी से स्टडीली वो पूरा सेशन हैंडल करता है, कहीं भी क्वेश्चंस अगर हम ना पूछे तो उसको बुरा लगता है। जनरली ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए तो काफ़ी सेमिनार में ऐसा होता है कि सामने वाला थोड़ा सा हेजिटेट हो जाता है, लेकिन ये बार बार पूछता है क्वेश्चंस नहीं, तो ये चीज़ जो है ना वो सामने से मतलब कुछ देना चाहता है जितना हो सके उतना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे सारी उसमें ये लगा कि करण की टीचिंग बहुत ही बढ़िया है। दूसरा मुझे बीच बीच में जो थोड़ा है चीयर्स सेशन लेते हैं थोड़ा सा डांस वगैरह, तो जब भी मतलब उनको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टेक्निकली हैवी हो गया तो वो उससे बाहर निकाल के फिर वापस लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत कुछ यहाँ पे सीखा है जो अब जाके मैं इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैंने करण से बात भी कर ली कि वो सूरत आ रहा है नवंबर में, तो मैं वापस ये प्रोग्राम एक बार और अटेंड करना चाहूँगा कि टेक्निकली थोड़ा जो मेरे लिए थोड़ा हैवी था क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा हूँ, अगर फिर भी जितनी मुझे समझ आई है उससे मैं काफ़ी कुछ कर पाऊँगा अगर जाके समझ। थैंक यू।